सामने से गाय नहीं निकालना भैया आप आइए ना भैया चलो चलो विवाह के कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम लोग गाएंगे आराधना से पहले आदन में तुमने ठहराया बाल विवाह की लड़क को और इसको कोया के अगुवाई में गाएंगे वह वैवाहिक जीवन चाहे पति पत्नी का जीवन वह लंबे समय के लिए आरिश लेकिन जब हम लंबे समय की बात करते हैं तो इस संसार में अनेक प्रकार की आंधी तूफाने आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, बल्कि अनेक प्रकार से वह बुरी परीक्षा हमारे जीवन में आती हैं, यहां तक कि अनेक प्रकार की समस्याएं लौकिक आत्मिक परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। ऐसे परिस्थिति में निश्चित करके विवाह सबसे एक दूसरे को इनकार करने के लिए नहीं, लेकिन आज जबकि एक नया परिवार होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, पति पत्नी होकर के उनको सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए इच्छा लालसा रखते हुए प्रभु के हाथ में समर्पित होकर प्रभु के नाम से वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसलिए आज से अगर आप लोग इस संसार में परमेश्वर की क्यों खड़े हो यहाँ थोड़ा जोर बोलिए, मेरा काम ठीक नहीं है, शादी होने के लिए, शादी होने के लिए कितने दिन के लिए, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए नहीं सुन देता है इसलिए इनको अब हे कृष्ण निर्मल आशीष तीर्थी सर्ज्ञानी और सर्वोचित परमेश्वर के सामने इस अपने वचन द दुलीन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं कृष्ण निर्मल आशीष तीर्थी, मैं कृष्ण निर्मल आशीष तीर्थी तुझको ही कृष्ण यरूशलेम हेमरम ईश्वर के सम्मुख और इन शख्सियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपने धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वास से प्यार करूंगा इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे आमीन। अब हे कृष्ण यरूशलेम हेमरम स्वर्गीय और सर्व उपस्थित परमेश्वर के सामने
इस अपने वचन दत्त दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं क्रिस्ट यरूशलेम रम तुझको हेम क्रिस्ट निर्मल आशीष तिरकी यहाँ स्वर्गानी ईश्वर के सन्मुख और इन शख्सों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी ना त्यागूंगी, मरने लो दुख और सुख में विश्वास से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। मैं कलीसिया का बुलाया 18 वर्ष युक्त होकर के इन अंगूठियों को प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ कि इन जोड़ों के विवाह और प्रेम के प्रतीति के लक्षण के लिए पहने जा सके। आमीन। धीरे आराम से धीरे से और फूल माला है अब तुम दोनों ने विवाह करने की परस्पर वाचा बंधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के धन्यवादों को मिलाया है। इस पर मैं कृष्ण निमल्लिक का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जुड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु पर
अगुवाई में जो अंतिम थी को गाएंगे इस तरह से आपको मेरे Congratulations. Happy married life. इसमें देखेंगे हम यहाँ देखेंगे ये थोड़ा रेडी हो गया और एक टू आग बंद हो गया रेडी बाबू थोड़ा पीछे हो रेडी यहाँ पे भैया दोनों एक ही साथ खड़े भैया यहाँ देखिए रेडी पीछे पीछे अरे उतना मत मतलब अरे चेहरा खराब हो रहा है